हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सो गाइस, दिस इज द टारगेट फॉर 16th जून। डेली हम मेंस और प्री की दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, आपको 16th जून को आज यानी क्या प्रैक्टिस करना है। क्वांट को आपको देना है 2 आवर प्री के अंदर, और मेंस के लिए 2 आवर प्रैक्टिस करनी है दोनों की, जिसमें आपको करनी है प्री में 5 DI, 1 KSLET DI, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज एंड 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक। नंबर सीरीज में आपको 10 मिसिंग के लगाने हैं, 10 रॉन्ग के लगाने हैं। और देखिए, मेंस का मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है कंटेंट, क्योंकि काफी बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि हमसे ये शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हमसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने टारगेट को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि ज्यादा अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 10-12 दिन आप अपनी हैबिट बना लीजिए, फिर आपको एक मेंस लेवल के कंटेंट की प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी, तो आप आराम से ज्यादा कंटेंट प्रैक्टिस करना। तो देखिए, आपको सिर्फ 1 DI करनी है, मेंस लेवल की करनी है। 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आपको करने हैं, जो कि लेवल 2 के होने चाहिए मेंस लेवल के। DI आप अगर PO मेंस लेवल के करते हैं तो बेटर रहेगा। रीजनिंग को आपको 2 आवर्स देने हैं। प्री के अंदर आपको 10 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। तो 10 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मतलब आपको 10-10 नहीं करनी है, 10 पजल्स करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। यानी आप कितनी भी सीटिंग अरेंजमेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने 2-3 सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिली, आपने वो लगा ली, या आपको 5-6 पजल मिली तो आपने वो लगा ली इस तरीके से, या 5-6 सीटिंग अरेंजमेंट मिली आपने वो लगा ली, या 2-3 पजल मिली वो लगा ली, तो इस तरीके से आपको 10 लगाने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन सिलॉजिज्म के करने हैं आपको, एक सेट कोडिंग डिकोडिंग, एक सेट ब्लड रिलेशन, एक सेट डायरेक्शन डिस्टेंस, एंड 5 क्वेश्चन आपको करने हैं इनइक्वालिटी के। देन मेंस लेवल में आपको करनी है 2 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, 1 इनपुट आउटपुट और 1 न्यू पैटर्न क्वेश्चन करना है जरूर। तो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर आपको 2 आवर्स देने हैं। प्री के अंदर देखो, आपको 1 RC करना है, 10 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन, 10 क्वेश्चन फिलर, 1 पैराजंबल, 10 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड 5 क्वेश्चन मैच द कॉलम के करने हैं आपको। मेंस लेवल में आपको सिर्फ 2 RC प्रैक्टिस करने हैं, जो कि मेंस लेवल ही होने चाहिए। कनेक्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं 5, और ऑड वन आउट आप कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। फिर आपको करना है 16 जून का करंट अफेयर प्रिपेयर। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक 45 डेज का डेली टारगेट डेली शेड्यूल वीडियो नहीं देखी है तो देखिए बिल्कुल जाकर। उसमें मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स को और सेक्शन वाइज को क्या क्या टाइम आपका रहना चाहिए और करंट अफेयर को आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, जरूर देखिए, चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।